आज इक्वेशन बताऊंगा, यानी हिंदी में समीकरण, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है मैथ का, जो कि 8 क्लास के बाद मतलब ऐसा एक भी क्वेश्चन मिलता ही नहीं है, शायद ही ऐसा कोई क्वेश्चन मिलता है जिसमें इक्वेशन का काम ना करना पड़े। इसलिए ये सीखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए स्टार्ट करता हूँ इस वीडियो को। आप लोग चैनल कर ले सब्सक्राइब और लाइक, ताकि आपको इस प्रकार की वीडियो आपके हाथ से ना जाए। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले इक्वेशन, हिंदी में इसको बोलते हैं समीकरण। इक्वेशन हिंदी में बोलते हैं समीकरण। देखिए, इसमें मिलनी करना क्या होता है, इसमें करना क्या होता है ना, कि जितने भी चर और अचर होते हैं दोनों को छांट के अलग करना होता है, और चर वाले वैल्यू का मान बताना होता है जितने भी चर होते हैं। तो अभी हम लोग पहले पढ़ेंगे एक चर वाले समीकरण, इंग्लिश में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। हम लोग अभी क्या सीखने वाले हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। हिंदी में एक चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर वाले रैखिक समीकरण, इसको अभी हम लोग सीखने वाले हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया है, सबसे पहले एकदम हल्का क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि x प्लस 5 बराबर 12। देखिए, इसमें चर वाला सबसे पहले कौन सा है, तो चर वाला हमको दिख रहा है ये, और अचर वाला कौन सा है, तो ये और ये। देखिए, चर वाला को हमको एक साइड रखना है, आपको जिधर मन करे इधर मन कर रहा है इधर रखिए, इधर मन कर रहा है इधर रखिए। और सॉल्व करने से पहले इसका एक रूल होता है, वो जानना सबसे पहले जरूरी है। वो क्या होता है इसको बताते हैं, क्वेश्चन बनाते बनाते समझ में आ जाएगा। पहले बोलते हैं बीच में होता है बराबर, जैसे कि आपको ऐसा दिख रहा है, अगर इस साइड में किसी भी वैल्यू का साइन प्लस है, अगर हमको बराबर की उस साइड ले जाना है, तो उस तरफ जाने के बाद उसका साइन हो जाएगा चेंज, वो बन जाएगा प्लस से माइनस, और इसी प्रकार अगर इस तरफ माइनस है तो इस तरफ हो जाएगा प्लस। इसके बाद इस तरफ अगर गुना है तो उस तरफ जाएगा तो भाग, और भाग है अगर इस साइड तो उस तरफ जाएगा तो गुना। इसके बाद अगर इधर स्क्वायर है, इधर हो जाएगा रूट, इधर क्यूब है, इधर हो जाएगा क्यूब रूट, मतलब इस हिसाब से पावर जितना उतना का रूट। देखिए, अब हम लोग समझेंगे इधर, जैसे कि ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें चर वाला है ये, तो इसको हम क्या करते हैं, इसी साइड जोड़ देते हैं, मतलब एक्स वाला इधर, और उस साइड में पहले से क्या है 12 है, वो अपना जगह कैसे छोड़ेगा, कोई अपना जगह पहले का छोड़ता है नहीं, ना छोड़ना चाहता है, चिपका हुआ है फिर भी कुछ से आगे आया, जो साइड में था उसका साइन हो गया चेंज, तो ऐसा बन जाएगा कुछ। फिर आप लोगों का घटाव तो होता ही होगा, 12 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा 7, तो ये हो गया हमारा आंसर। इस प्रकार से बनता है। अगर मान लीजिए आपको थोड़ा इससे दे देता है हार्ड, तब आप लोग क्या करेंगे, तो आप लोग 8 क्लास में अगर हैं तो आप लोगों को बट्टा भर का जोड़ घटाओ गुना भाग तो कम से कम आता ही होगा। तो देखिए, एक थोड़ा सा हार्ड वाला लेते हैं और बताते हैं, मतलब इससे थोड़ा हल्का लेवल ऊपर का बताते हैं।
जैसे कि क्वेश्चन दिए हुआ है हमारे पास एक्स बाई टू बराबर -9। तो देखिए भाग में कहने का मतलब जो हमारे पास ऐसे करके नहीं दिए हुआ होगा, ये वाला नहीं, बट्टे में होगा, बट्टे वाले को भाग ही बोलते हैं। जैसे कि x बाई टू दिए हुआ है तो हम क्या करेंगे, x को इधर छोड़ देंगे और इस तरफ है, भाग में उस तरफ होगा जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना -9 इंटू में 2 हो जाएगा क्योंकि इधर में था भाग में। और ये वाला चर वाले को हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, इसीलिए इधर छोड़ दिए। अब हमारा आसानी से आंसर निकल गया, क्या हो गया -18। तो ये बन गया। इसके बाद थोड़ा सा और लेवल बढ़ाते हैं तो देखिए क्या होगा, ऐसे दे देगा मान लीजिए x माइनस में 1/2 बराबर x, हो जाएगा -4। तब देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप लोग बराबर का जोड़ घटाव आता है, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1, 2 और 1 का एलसीएम, तो 1 का टेबल दो बार पढ़ेंगे, x का टेबल दो बार पढ़ेंगे तो 2x माइनस 2 का टेबल एक बार पढ़ें तो 1 का टेबल एक बार पढ़िए, फिर बराबर इधर में क्या है -4 रहने दीजिए। अब आपको दिख रहा होगा इस पूरे के भाग में है 2, तो इसको भगाइए उस साइड, उस तरफ में है पहले से -4 और इस तरफ में था भाग में 2, तो ये वाला इधर में आ गया गुना। इसके बाद जैसे है वैसे ही पहले गुना करके लिख लीजिए, करने में थोड़ा आसानी होगा। फिर इधर आइएगा, इधर में ये x वाला टर्म है इसको हटा दीजिए, यानी x वाला पद -8, इधर में क्या था माइनस में, इधर में क्या आ गया प्लस में। अब फिर से 2x बराबर, अब क्या करेंगे, 8 बड़े वाला, बड़ा वाला कौन सा है, देखिए आप लोग एक डायलॉग याद रख लीजिए इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाना है और बड़े वाले का साइन लगाना है। क्या बोले, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाना है और बड़े वाले का साइन लगाना है। इस डायलॉग के हिसाब से क्या है, बड़ा वाला है 8, इसलिए बड़ा वाला में से छोटा वाला को घटाना है, मतलब 8 में से 2 गया तो 6, और बड़ा वाला का साइन क्या है माइनस, तो लगाना है माइनस। देखिए 2 से कट गया 3, नहीं ऐसे समझ में नहीं आएगा आप लोगों को, एक मिनट। एक्स बराबर माइनस में 6 और इस तरफ में 2 क्या था गुना में, तो इस तरफ में कैसे आ गया भाग में, 2 3 6। आंसर हमारा क्या हो गया, x बराबर -3, क्योंकि यहाँ पे 1 है और 1 को नीचे में लिखते नहीं है, अगर गुना में सिर्फ 1 अकेला हो तो x बराबर क्या हो गया हमारा -3। देखिए अब क्या करना है, अब एक और क्वेश्चन लेते हैं जो थोड़ा इससे भी हार्ड हो, तो देखते हैं। तो आप लोग एक काम करिए, आप लोग अगले वीडियो का इंतज़ार करिए, अगर मैं सारा चीज़ इसी में बता दूंगा तो फिर आप लोग हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करोगे नहीं, तो आप लोग चैनल पे सब्सक्राइब करो, आप लोग कम से कम, अभी मेरा नया चैनल है तो आप लोग 100 सब्सक्राइब पार करो, मैं 2 दिन के अंदर 1 दिन में के ही अंदर, हो सकता है तो कल ही मैं इसका नेक्स्ट पार्ट डाल दूंगा YouTube पे, और आप लोग देख करके समझ लेना। तो आज का क्लास होता है ओवर, और आप लोग करिए इसका तैयारी, क्योंकि एक बार में बता भी देंगे तो आप लोग को समझने में थोड़ा दिक्कत होगा, इसलिए पहले देख लीजिए, धीरे धीरे समझिए, धीरे धीरे समझने से अच्छा होता है, दिमाग में ज़्यादा हटेगा। तो धन्यवाद, आज के लिए हम विदा लेते हैं, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जल्दी में सब्सक्राइब करें, जल्दी में सब्सक्राइब करिए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं। हाँ, वीडियो को लाइक करना तो भूले ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं भूलना है वीडियो को लाइक करना, वीडियो को लाइक करके ही जाएं।